जी हूँ मैच जी वो कैसे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्या सुन रहे हैं आजकल लुडी हेज मालू पाओ एक पाओ <laughs> डेढ़ पाव लुडी हेज मालू डेढ़ पाव <laughs> <laughs> नहीं सही सच बताएं क्या सुन रहे हैं आजकल मैं ज़्यादा तर्किश म्यूज़िक सुनता हूँ ठीक है और तर्किश म्यूज़िक ज़्यादातर पॉप म्यूज़िक है ज़्यादातर सुन रहा बॉलीवुड सुने काफ़ी अर्सा हो गया हाँ बॉलीवुड सुने मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया मतलब गाने आ तो रहे लेकिन पता नहीं मजा नहीं आ रहा क्या हम हम बूढ़े हो गए <laughs> <laughs> असल में ये हुआ है कि कोरोना से पहले जो मूवीज रुकी थी उसके ज्यादा गाने आजकल रिलीज हो रहे हैं वही गाने रिलीज हो रहे हैं तो तब की प्रोडक्शन शायद मेरे ख्याल से हुई है म्यूजिक की तो इस वजह से अभी बॉलीवुड के जो गाने हमें मजा नहीं दे रहे अच्छा नहीं ये ये वजह हो सकती है वजह तो यही है क्योंकि तीन चार साल ज्यादा मूवीज नहीं आई

लेकिन नहीं अच्छा <laughs> वो, देखो उसकी प्रोडक्शन एक तो थोड़ी सी हल्की हल्की लग रही है हमें बाकी दूसरा ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग बॉलीवुड म्यूजिक फैंस है। फैंस हैं हैं हम कोई बिल्कुल। ये नहीं कह रहे कि हम दोनों अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं <laughs> और हम आला काम कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है हम सुनते हम, हैं, हम... हम सुनते हैं हैं फैंस डिस्कस कर रहे तो मुझे वो एक जो प्रीतम के गानों में जो एक चमक होती थी ना वो चमक थोड़ी मिसिंग लगी मुझे और मेलोडी भी जो है ना प्रीतम की जो सबसे अच्छी बात है उसकी मेलोडी बड़ी वेल कनेक्टेड होती थी ब्रिज से uh, मतलब वर्ड से ब्रिज और ब्रिज से कोरस ऐसा अच्छा जुड़ा हुआ होता है लेकिन पता नहीं ये, शो, ये शोमी और ठुमका जो गाना है उसके अंदर मुझे वो चीज़ नजर नहीं आई मुझे लग रहा था कि ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक साथ रख दिए बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही ऐसा लग रहा है कि यार वर्ड तुम बना लो ब्रिज तुम बना लो कोरस में बना के लाया हूँ ये वो यार तुम रोटी मंगा लो तुम कुछ और मंगा लो मैं सालन लेके आया हूँ बिल्कुल और

शरायती शराती हमें उसका नाम याद है बेसिकली पता नहीं उसको इसाम करके इसाम तो नहीं है लेकिन आसम करके श्रैति, श्रैति वो श्रैति भी हमने गलत अलग से एक अपना नाम बना लिया नाम बना लिया लेकिन वो हमारी बेसिकल वो एक हमने एक पहचान के तौर पे उसका नाम डाल दिया हुआ ये था कि एक दफा मैं यूट्यूब चैनल में कुछ देख रहा था ठीक है तो बीच में नहीं वो स्पॉन्सर्ड वीडियो चल जाता बिल्कुल तो स्पॉन्सर्ड एक अरेबिक म्यूजिक वीडियो चला था वो बड़ा फेमस सऊदीया का कोई बड़ा सऊदी सिंगर है फेमस अब्दुल्ला करके नाम है उसको तो कर... मैं उनका गाना सुन रहा था तो वो गाना मुझे वही वजह बज गया बज गया गाना मुझे मैंने उसे फौरन उसी वक्त मैंने उसको शजैम किया ठीक है शजैम से मुझे वो गाना यूट्यूब पे मिला यूट्यूब पे जाके मैंने उसका क्रेडिट्स पढ़े क्रेडिट पे म्यूजिक प्रोड्यूसर का नाम लिखा था शरायती शराती म्यूज़िक प्रोड्यूसर को फिर मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया

नहीं, वो तो हम में थी लेकिन कुछ लोगों में छुपाने की भी आदत होती है लेकिन हम तो, पूछा, ये जो आप अरेबिक गानों के अंदर जो स्विंग होता है ये कैसे होता कैसे हो तो तो यार उसने मुझे टाल दिया वो समझा पता नहीं मैं कुछ, कुछ नया बच्चा वहां पे शिफ्ट होने वाले हैं उसके जेन में उसको लगा कि शायद मैं उधर फोन आ गया भाई ये चले को यहाँ पर रख लेता हूँ तो उसको लग रहा था कि ये पता नहीं शायद ऐसा ना हो कि इसको स्विंग का पता लग जाए और ये शिफ्ट हो जा। शिफ्ट हो जा। तो उसने मुझे अच्छा और आपको मजे की मुझे स्विंग को फिर किसने उस को भी कि, पता कि उसने मुझे बता दिया किसने बताया मुझे बताया फेसबुक पे एक ग्रुप के ऊपर मैंने ये सवाल किया ठीक है भी सीधा जवाब नहीं दिया मुझे बिल्कुल ठीक है उसने मुझे तंजिया तौर पे ना उसने उसको, उसको लगा कि यार ये इस पे इस पेज पे तरह सवाल कौन कर रहा है <laughs> तो मुझे नहीं पता था कि उस पेज पे उस ग्रुप के मेंबर जो है, भी है। आप आप स्क्रीनशॉट भी आपके साथ तो मुझे कॉमेंट आया मेरे स्टेटस के ऊपर जो आप मैसेज लिखते हैं

तो तो uh, <laughs> फॉर्मूला नहीं आपको बताने लगे लेकिन ये आपके हाथ उसके में भी आपसे कहूंगा कि रीड मैनुअल वो आप सर्च करें लेकिन आपके हाथ में झोल होना चाहिए बेसिकल असल में तो आपके हाथ में झोल होना चाहिए झोल होगा तो फिर वो गेम बन में झोल आएगा लेकिन इंशाल्लाह ताला उस कुटाइज का गाना भी निकालेंगे इनशा इनशा और आजकल क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं ज्यादातर ओ एस टी ही चल रहे हैं ठीक है जिसके लिए आ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और अरेंज भी करते हैं लेकिन किन -किन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो अभी तो ज्यादातर नवीद भाई के साथ कर रहा हूँ नवीद नशाद के साथ ठीक है ज्यादातर आजकल उनके साथ ही कर रहा हूँ शराज भाई के साथ कर रहा हूँ और ज्यादातर ये दो बंदों के साथ ही कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी कर लेते हैं तो वो आपकी मोहब्बत है <laughs> आपसे सीखते हैं अरे यार मैं तो समझ लें दो से आपका फैन हूँ दो हज़ार <laughs> क्योंकि उससे पहले नेट का जमाना तो मेरे ख्याल से नहीं मुझे नहीं पता था एक कब से है लेकिन 2006 हजार सात में पता चला है कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है लेकिन आपका तो एक दो मेरे भाई हैं साजिद फ्लूट प्ले करते हैं उनसे नाम सुना था आपका साजिद के साथ बड़ा काम किया है मैंने बिल्कुल बिल्कुल एक दौर में एक दौर में बड़ा काम किया है हमने ये आजकल जो हालात हैं जी जी पाकिस्तानी म्यूजिक के के तो ओवरऑल ही ले लो ओवरऑल ले, ले। बल्कि नहीं हम मीडिया में ही रहते हैं ऐसे नहीं है। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे नहीं नहीं हम म्यूजिक के हवाले से बात मीडिया के हवाले से कि मतलब बहुत सारी चीजें बहुत चेंज हो गई हैं बिल्कुल चेंज हो गई मतलब आपका म्यूजिक रिलीज करने का चेंज हो गया है बिल्कुल आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल, बिल्कुल। मजा वो। वो आता है करने में बिल्कुल और आज कल लोग देखते भी देखते तो भी क्यों ना जमाने के साथ चले तो लेकिन आजकल लोगों का रुझान जो है ना वो गाने की तरफ से गाना बनाने की तरफ से थोड़ा कम हो गया है अच्छा जो भी नया सिंगर है जी जी वो कवर कर लेता है बिल्कुल पहले नया गाना बनाया जाता था नया गाना बनाया जाता था तो लेकिन अभी नया गाना बनाने की लोगों को ज्यादा खपत नहीं महसूस होती वो कहते हैं कवर डालो वो कह रहे हैं कवर, कवर से मैं अपनी पहचान बनाऊंगा जब पहचान बन जाएगी हाँ। तो फिर नया गाना कर लेकिन ऐसे कुछ सिंगर जो मैं नाम नहीं लूंगा जो कवर से हिट हुए थे इसमें अपने ओरिजिनल किए वो नहीं चले नहीं चले तो ये भी एक होता है कि जब आप बहुत सारे कवर कर लेते हैं ना उसके बाद आपका ओरिजिनल नहीं लग जाते कवर की छाप लग जाती है बेसिकली छाप तिलक सब छीन <laughs> नैना मिलाई है मिलाई के मिलाई के लिए <laughs> <मुलाए के ले। laughs> <laughs> नैना मिलाई के लिए <laughs> सबसे पहले तो मेलोडी कम हो गई है ठीक है आजकल जितने भी गाने बन रहे हैं उसमें इतनी कोई मेलोडी खास नहीं होती ठीक है और कवर जो पुराने गाने थे वो ज्यादातर वो ही चल रहे हैं ठीक है लोग मेहनत करने से भाग रहे हैं तो बस मेरे ख्याल से तो अच्छा काम करना चाहिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए काम पे यार देखो जो कवर म्यूजिक है जी जो कवर सॉन्ग्स है जी जी कवर सॉन्ग्स का पता मसला मैं बताता हूँ मसला क्या है मसला ये है कि एक तो लोग तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम जल्दी हम कुछ भी कवर्स गाएं और हम जल्दी से मशहूर हो जाए चक्कर यह है कि लोग कवर्स इसलिए चूज करते हैं क्योंकि लोगों का सुनावा चीज होती है बिल्कुल अप्रूव चीज होती है अप्रूव चीज जब नया गाना करते हैं ना तो उसमें दो चीजें होती है लोग एज सिंगर भी आपको सुन रहे हैं आपका म्यूजिक वीडियो पे भी, भी वो कमेंट करेंगे बिल्कुल फिर वो आपके गाने पे भी कमेंट करेंगे कि गाना उनको अच्छा लगा या नहीं लगा कवर में क्या होता है कवर में आप गाना ही वो कवर करते हैं जो लोगों को पसंद है बिल्कुल जो ऑलरेडी हिट गाना है हिट गाना है तो वो लोगों को तो वैसे ही पसंद है ना अच्छा, तो उस पर लोग हमेशा जैसे मैं मिसाल के तौर पर अभी, अभी क्लिप्स निकाले काफी सारे कवर किएंगे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तो उसपे लोग अक्सर कुछ ऐसे कह रहे होते हैं कुछ लोग कह रहे होते हैं अरे सर आपने तो ओरिजिनल से भी अच्छा गा दिया बिल्कुल सही ठीक है हालांकि वो बिल्कुल सच बात नहीं होती कोई कुछ ये कह रहे होते हैं यार ये मेरा बड़ा ही फेवरेट गाना है और आपने इसको चार चांद लगा दिए बिल्कुल ये तो वो हो गया कि आप पिछले गाने के ऊपर मेरा गाना जो है ना वो कह रहे हो कि कुछ ये ज्यादा अच्छा है बिल्कुल अच्छा कुछ ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं कि सर ये मेरा फेवरेट गाना है ओरिजिनल गाना तो मेरा बहुत फेवरेट है आपका वर्जन भी अच्छा लगा ठीक <laughs> है और अब मैं ये सुन रहा हूँ और फिर अच्छा मेरे मेरा ये मैं तो खैर उसके अंदर ये करता हूँ मैं जब भी कवर का सॉन्ग कर रहा होता हूँ मैं उसमें वेरिएशन देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल तो जैसे कुछ, मैं, कुछ गानों के अंदर से लगाए मर्जी से लगाए गाने जिनके पीछे मैं चाहता था कि यार ये होना चाहिए हुआ करते मजा आता तो वो मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूँ बिल्कुल तो लोग अच्छा उससे भी ये फील अम म्यूजिकियन इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो इस बात को समझेंगे कि कॉर्ड से फील में बड़ा फर्क पड़ता है बिल्कुल फर्क पड़ता है अच्छा मेलोडी अगर ऑलरेडी मीठी है सुरीली है और फील वाली है और उसके ऊपर अगर कॉर्ड्स भी उस तरह के लग जाए ना जिनका जो कॉर्ड्स में मांगता है मांग, तो वो डबल डबल मजा, मजा, मजा है डबल मजा मैंने वो गाना किया था एक जब कोई बात बिगड़ जाए बिल्कुल ठीक है तो उसका मैंने अंतरा गाया था हालांकि बहुत मशहूर गाना उसका मैंने अंतरा गाया था तो लोगों ने मुझे एक, एक खास तौर पे मुझे कहा कि यार इसकी जो कॉर्ड अरेंजमेंट आपने की है ना उससे ही कुछ और ही चीज बन गई है असल में जो वो दौर था जब कोई बात बिगड़ जाए तब आ, इतना आ, वो लोगों को शोर नहीं था जो म्यूजिशियन थे बस मेजर माइनर के कोर्स चलते थे ज्यादातर या सेवन चलता था हाँ। अब ये है कि इंटरनेट भी आ गया है। उस पर आपको हर कोर्ट की पोजीशन पता नहीं कि आ, कोई तकरीबन कोई हजारों कोर्ट्स हैं ठीक है अब तो आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं तो खैर मेरे कहने का ये मकसद है कि अब ज्यादा कोर्ट्स जो है ना वो रिलीज हो गए रिलीज हो गए <laughs> <हो गये। laughs> <laughs> ज्यादा अब नजरों के सामने आ गए हैं तो फिर उसके साथ वेरिएशन आप ज्यादा कर सकते हैं किसी है। भी गाने में अब तो तुम कह रहे थे कोई आपस, भी आ गई जो जी एक, एक कर लेती जी जी बिल्कुल एक ऐप ऐसी आई है जिसपे आप एक गाना अपना लोड कर दें ठीक है लोड करने के बाद आप प्ले करें तो लेकिन ये नहीं कि जो बारीकियां हैं जो आप कोई रूट कुछ और दे रहे हैं ऊपर कुछ और दे रहे हैं कोड वो वाला नहीं होगा जो मेजर माइनर है ना सीधे या सेवंथ है वो सिर्फ वही बताएगा सिंपल 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 बताएगा, ने बताएगा। उसमें नहीं बताएगा वो सही ज़्यादातर और लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ऐप आ गई है जो समझना चाहते हैं लोग कोर्स को वो ऐप यूज़ करें और मज़ा ले खाने में क्या पसंद है सर खाने में मुझे साग बरयानी बहुत पसंद है साग बिरयानी मेरी फेवरेट है और देसी मुर्गी का जो शोरबा है ना काली मिर्चों वाला वाँ वाँ। वो मेरा बहुत फेवरेट है खाने में तो ये तो तुमने वो खाने बता दिए जो घर में बनते हैं जी जी वैसे तुम्हारा लाहौर में फेवरेट आउटिंग के लिए मतलब खाने पीने के लिए कौन सी जगह लाहौर में कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है बट कढ़ाई वो बहुत मजे देसी फूड में पूछ रहे हैं कि देसी फूड में बट कढ़ाई बहुत अच्छी है और मेरे फेवरेट नान चने बहुत है मेरे फेवरेट है नान चने खान बाबा भूल गए वे खान बाबा तो क्या बात जाती <laughs> खान बाबा बहुत अच्छा है लाहौर में उसकी जो पुलाव है मटन पुलाव वो बहुत अच्छा है और उसके साथ पालक फिर वो साग बिरयानी आ गई मेरे सामने <laughs> <laughs> खान बाबा की भी यार वो खान बाबा के साथ तो यादें जुड़ी जो साग ओहो उसके साथ आपकी यादें जुड़ी हैं। yeah. <laughs> कराची में बारबी क्यू बहुत अच्छा मिलता है yeah, बहुत yeah, आउटस्टैंडिंग yeah. मिलता है पाकिस्तान में जो कराची का जो क्यू है ना बहुत ही एंड है क्या बात बारबी क्यू और फिलहाल बारबी क्यू बिरयानी <laughs> जो घर की बाहर की नहीं नहीं, नहीं बाहर की भी बिरयानी वो तुम ठीक कह रहे हो मैंने तो मैं... दो तीन टेस्ट किए हैं बोस्ट अच्छा मैंने मैंने काफ़ी सुना था कि कराची में बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है बहुत अच्छी मिलती है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस शायद उस जगह पे नहीं गया जो लोग खा के मेरे ख्याल से मैं बीफ भी नहीं खाता एक तो सबसे हाँ। पहले तो मैं बीफ नहीं खाता क्योंकि बीफ में सुना है बहुत अच्छी बिरयानी बनती है हाँ बीफ में अच्छी बनती है लेकिन इधर चिकन भी अच्छी मिलती है चिकन भी अच्छी यहाँ पर होसिया बिरयानी है लेकिन वो मैं खा नहीं सकता क्योंकि वो बीफ है बीफ है और उसमें एक नली बीच में डालते हैं ओए ओए मुझे याद आया एक सिंगर थे लाहौर में उन्होंने एक सैड <laughs> मैंने सुना इसलिए मुझे हंसी आ गई उन्होंने एक सैड गाना तो अकेले हैं चले आओ वो एक इतना मनूस मंजर बन गया उस टाइम इतना मनूस मंजर बन गया है कि अब मैं उसको Uh, अपने मुंह से तो नहीं कुछ कहना चाह रहा था मैं नीचे गया और नीचे से जाके ओए हुए चिप्स ले आए <laughs> <कौन? laughs> ओए हो मैं जाके नीचे से अच्छा। ओए हुए लेके आए और मैंने ओए हुए रख दी यानी मैं यानी जो मेरी अंदर की फीलिंग थी ना ओए हो गए <laughs> वो मैंने चिप्सों में बयान की है इन आ, इंडस्ट्री में कभी झगड़ा हुआ है किसी से? इंडस्ट्री में वक, सिंगर से एक सिंगर थी अच्छा उसका भी नाम नहीं लूंगा मैं, मैं मत लो असल में कहरो मत उसका एटीट्यूड एक इस वक्त आसमानों पे है ठीक है नहीं इतना ना बताओ लोग भूल लेंगे अच्छा कोई बात नहीं भूल ले भूल ले उसका एटीट्यूड आसमानों आसमा� Hmm. तो वो गाना मैंने प्रोग्राम किया था तो उसके लिए वो डब करने आई थी वोकल तो स्टूडियो में मैं था कंपोज़र था और दो तीन लोग थे जो कंपोजर था उसका एक बॉय था जो कि वो बाहर से कुछ लेने गया था hmm. अच्छा वो जब कमरे हेल्पर था ठीक वो उसका असिस्टेंट लगा लें हेल्पर hmm. लगा लें जो भी लगा लें वो जब रूम में आया स्टूडियो के कंट्रोल रूम में आया जब तो वो सिंगर ने उसको कहा कि उसको देखते ही उसको देखते ही कहा कि और भी लोग हैं तो उसको भी अंदर ले आओ मतलब तंजिया का तंजिया का और उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा मैंने शायद वो बात अपने पे भी ले ली कि मैं भी बैठा हूँ शायद ये इस वजह से कह रही रहे इस तरह वैसे बोलना नहीं चाहिए बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसको लाइन नहीं याद हो रही थी उस टाइम <laughs> ये भी मैं समझ गया। उसको लाइन नहीं याद, हो रही, याद नहीं हो रही थी जो जो एक फ्रेज कंपोजर ने बनाया था उसको वो समझ नहीं आ रहा था तो शायद शायद ये भी वजह हो सकती है कि रश देख के वो घबरा गई तो खैर मैंने वो बात अपने पे ली मेरे पास एक पड़ा था तकिया वो कुशन, कुशन।, कुशन पड़ा हुआ था ऐसे हाँ। मैंने पकड़ा और उसके मुंह पे मार दिया और वो बात मैंने दो से तीन कंपोजरों को बताई कि मैंने फलाने फलाने सिंगर के ऊपर तकिया कुशन क्वेश्चन मारा है तो हर कंपोजर ने मुझे दुआएं दी <laughs> और उसके बाद उस सिंगर से फिर कोई नहीं हुआ उस सिंगर के साथ अभी मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि वो सिंगर लोगों को बहुत तंग करता है <laughs> <laughs> यार बहुत क्या <laughs> तुमने एंड लगाया <laughs> असल में वो सिंगर लोगों को बहुत तंग करती है या करता है ये आपने कमेंट में बताना है कि मैं किसका बात कर रहा हूँ किसकी, किसकी बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ सलीम सले मेरे फेवरेट मैं उनको उनको मैंने जब से सुनना शुरू किया है मेरा माइंड खुलता रहा उनको सुन के क्योंकि रहमान साहब तो खैर गुरु हैं नहीं अभी बाद में अब ठीक है सलीम सलेमान एक समय ने एक दुनिया है पूरी no जिन्होंने uh, बहुत अच्छा यूज़ किया है hmm. फिर जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो रहा है उनके जो तीन एल्बम आए अभी एल्बम तो चार आए हैं लेकिन रिसेंटली तीन आए हैं 2020 से शुरू हुआ काम भूमि उसमें जो उन्होंने क्रिएशन किए जो फ्यूजन किए हैं गाने जिसमें क्लासिक एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तो काफ़ी जो नए लड़के आने वाले हैं जो म्यूज़िक सीख रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत असर हुआ है उनको भी मसलन अच्छा करने का मौका मिल रहा है वो एल्बम सुनने के बाद उसमें जो उन्होंने काम कर दिया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग अच्छा ख़ास तौर पे इनकी ये बात ये है कि हर दौर के हिसाब से म्यूज़िक वॉइस को इंस्पायर किया इंस्पायर किया बिल्कुल अभी वो बताता हूँ कि भाई जब मैं बॉय होता था मैं भी उनसे इंस्पायर्ड था बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मेरी मेरी तो मैं मैं बताता हूँ मैं मेरी जो सबसे पहली इंटरेक्शन जो हुई थी मेरी जो सबसे पहले बात हुई थी सलीम साहब से वो 2004 में हुई थी बिल्कुल ठीक उस वक्त वो कंपोजर्स भी नहीं थे वो उस वक्त म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे दूसरे कम्पोजर्स का प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट एग्जैक्टली तो मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ

हुआ है, है। मिशन भी अच्छा मैं एक सबसे अच्छी बात पता है। उनकी क्या है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद वो तो इतने, हंबल है। और इतने है। मेरी इतनी की है जब भी नहीं थी। मेरे पास एक्चुअली मेरे साथ हुआ गया था उन्होंने टू थाउजेंड फोर या टू थाउजेंड वेबसाइट पे उन्होंने अपने नंबर्स दिए हुए थे मैंने वहाँ से उनका नंबर नोट किया और मैंने उनको उस वक्त व्हाट्सएप भी नहीं होता था बिल्कुल मैं उनको एस करता था तो अक्सर क्या होता था कि मैं उनका कोई काम सुनता था ना ठीक है तो फिर एस करता था उनसे पूछता था कि ये क्या चीज़ है ये कैसे हुई ये कैसे हुई ये कौन सी साउंड है यार वो उस वक्त मुझे इतनी हेल्प करते थे मुझे रिप्लाई आता था उनका लेकिन आपने उनको किस दौर में ढूंढा है जिस दौर में ज्यादा <laughs> इतना ज़्यादा वो इंटरनेट भी नहीं था और उन्नीस साल हो गए उन्नीस साल बिल्कुल साल से मैं उनको हमारी बातचीत है तो लेकिन वो आज भी जब भी बात करते हैं वैसी तरह बड़े भाइयों की तरह और हम उनको उसाद मानते हैं बिल्कुल मानते हैं लेकिन वो बिल्कुल बड़े भाइयों बड़े भाई हैं तरह, तरह ट्रीट करते हैं और मतलब मैं मैं जब मुझे जब पता चला कि तुम लोग भी फैन हो बिल्कुल तो मैं बड़ा इस बात पे खुश खुश हुए इस बात पे खुश हुआ फिर मुझे इस बात पर भी खुशी है ये जैन पीछे बैठा हुआ टाइम पे इसने भी बड़ा फिर उनको फॉलो किया है की है सुना है, तो है किया आज आज की। की सुना फ्रेश, फ्रेश, है, फ्रेश, है, फ्रेश वो जब तक काम करते रहेंगे तब तक वो जिंदगी और वो जब तक काम करते रहेंगे म्यूजिक में कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल इंडिया uh, में uh, जो सलीम सुलेमान है वो ही सिर्फ क्रिएटिव काम कर रहे हैं हाँ। जो ज़माने के हिसाब से म्यूज़िक चल रहा है उसके हिसाब से ही वो अपना म्यूज़िक कर रहे हैं सलीम हुँ। सुलेमान बाकी सब बॉलीवुड के बीच में अड़े हुए हैं अच्छा मैं कुछ नाम लूँगा ठीक है अब आपने मुझे उसका बताना है कि आपको कौन सा जैसे जैसे हमने सलीम साहब के बारे में बात की सलमान भाई के बारे में बात की ठीक है क्लिंटन से रिजो क्लिंटन वो ज़्यादातर जो हार्मनी है हार्मनी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसको हार्मनी का नहीं पता उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम वोकल में करते हैं उसका वो किंग है बिल्कुल और क्योंकि वो हार्मनी का किंग है उसका एक एल्बम आया था अनंत थाल अनंत वो एल्बम उन्होंने बहुत कमाल प्रोड्यूस किया है उसमें कोऑर्डिनेशन और अरेंजमेंट्स बहुत मजेदार हुए हैं अच्छा अनंत थाल तो देखो वो है ना कि एक्सट्रीम बिल्कुल बिल्कुल वेस्टर्न और जैज, जैज। जो और उसमें क्लासिकल क्लासिकल की क्या गेम थी यानी एक सिंगर है उसमें हुँ, प्रकाश प्रकाश उसमें पलटे ले रहे हैं सरगमे ले रहा है लेकिन मजेदारी की ये बात है कि कॉड्स चल रहे हैं जैज और ऊपर पलटे चल रहे हैं पलटे का भी उतना मज़ा आ रहा है और नीचे कोऑर्डिनेशन का भी उतना ही मजा आ रहा है ये नहीं कि पलटे और चल रहे हैं और कॉड क्या चल रहा है यानी एक मिथा हुआ काम है वो बड़ा हैवी किस्म का अनंत था में अच्छा मैं कह रहा था कि एक तो बिल्कुल क्लिंटन ने जो ओम कारा है न, क्या विशाल जी का म्यूजिक, 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 म्यूजिक प्रोडक्शन क्लिंटन ने मैं कहता ही। हूं कि हर म्यूजिक प्रोड्यूसर को नया म्यूजिक प्रोड्यूसर को ओमकारा के गाने सुनने चाहिए सुनने चाहिए अच्छी मॉनिटरिंग हो इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग की है और इतनी वो जो तुम कह रहे हो ना मिथी मिथी बिल्कुल मिथ्ठा हुआ मिथ्ठा का तो मतलब है बंधा बांधा हुआ यानी हर चीज एक एक्यूरेट आ रही है बेसिकली बेसिकली लज आएगा गिणया मिथ्या गिणया मिथ्या, मिथ्या।, मिथ्या। यानी हर चीज एक हिसाब से की हुई हाँ। ये नहीं कि उठा के सब डाल दिया सब कुछ ने डाला और जम्बल कर दिया यानि जो तो जंबल। जंब... <laughs> <laughs> यानि जब ओवर हो जाता है ना हाँ। वो जम्बल है अच्छा एक नाम का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जी कम लोगों को पता है उनके बारे में और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनको सिर्फ रहमान साहब के हवाले से जानते हैं लेकिन मैं उनकी भी कुछ फिल्मों का नाम बताना कि बेसिकली मैं उन चीजों का नाम ले रहा हूँ कि मैंने जो एक्चुअली जो मैंने भी सुनी है। मजा लिया है जिसका हाँ काफी लोग हैं जिनसे काफी ऐसी चीजें जिनसे लोग अब आके इंट्रोड्यूस हुए हैं बिल्कुल लेकिन वो बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बिल्कुल जैसे सलीम सलमान साहब सुल्म की अभी तो भूमि एल्बम आए है लेकिन अगर किसी कोई सर्च करे भूमि जो सबसे पहली भूमि थी वो टू में आई थी अच्छा जी मैं जो अगला नाम लेना चाह रहा था

रहमान साहब के काफ़ी गाने जिसमें हम हमा की ड्रम प्रोग्रामिंग उन्होंने की और के इतने जो गाने आपको अच्छे लगते हैं अशोका मूवी का स्पेशली सारा साउंड वो उन्होंने ड्रम प्रोग्रामिंग की है एक एक टाइम पे नाइन्टीज़ में आ, अगर कुछ पुराने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो एक लाइन थी यही है राइट यही है की बड़ी मशहूर लाइन थी ठीक है ये रंजीत साहब की है। वा, 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 वा। तो बेसिकली रंजीत साहब जो है वो रंजीत बाराजी टी वी कमर्शल भी बहुत करते थे इंडिया में ज्यादातर वो फ्यूजन बैंड उनके काफी हैं ड्रामर बहुत ड्रामर साहब के साथ उन्होंने काफी फिर शिवा शिवा मनी उसने और रंजीत साहब ने तोफी कुरैशी जो जाकर साहब के छोटे भाई हैं ये इनका काफ़ी फ्यूजन इंडिया में अच्छा इंडिया में ज़्यादातर ये मजे की बात है कि लोग इंस्ट्रूमेंटल भी सुनते हैं हाँ। हमारे यहाँ पे ये यह कम है हमारे यहाँ पे, पे एक बैंड आया था मुगले फंक लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से नहीं कर रहे शोज़ वगैरह नहीं कर रहे वो ट्रेंड वो ट्रेंड इधर नहीं है पाकिस्तान में यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रोमेंटल शोज़ हैं जिसमें लाइक like हम कोई नई कंपोजिशन बनाते हैं फिर उसमें कुछ बार होते हैं जिसमें हम खुला भी खेलते हैं सही। वो भी चीज़ें ये यह यहाँ पे होनी चाहिए लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे क्या कहते हैं म्यूज़िक म्यूज़िक सुनने से काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं काफ़ी तो हमने ज़्यादातर जो म्यूज़िक सुना है फ्यूजन वो इंडिया में ही ज़्यादा अब अच्छा, मैं मैं एक्चुअली पता है अभी एक और चीज़ सोच रहा था कि जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे पाकिस्तानी लोग वो ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी देर से इंडियन म्यूज़िक की बात क्यों कर रहे हैं और हम इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम इंडियन कंपोज़र्स की क्यों बात कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि यार पाकिस्तान में ना आप जो भी आप देख रहे हैं आप भी इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान में एक टाइम पे सिर्फ रॉक म्यूजिक इतना ज्यादा हुआ है हमारे पास या पॉप नहीं नहीं पॉप भी कम हुआ है इधर ज्यादा रॉक हुआ है इधर अच्छा। ये असल मतलब में ये ज्यादा हुआ है तो हम लोगों मैं, मैं सॉरी अपनी बात अगर मैं करूँ नहीं, 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 तो मुझे मतलब मैं मुझे रॉक म्यूजिक से बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं है ठीक है मुझे शोर ही लगा है <laughs> मैंने कहा यार इसमें कुछ सुर मैंने तो देखो एक रिफ होती है थीके? बिल्कुल अब, अब लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी रॉक म्यूजिक करने वाली थी बिल्कुल अभी भी जो लोग जो है वो रॉकर्स ही हैं इधर ज्यादा असल में लेकिन वो हमारा अच्छा मैं इंडियन म्यूजिक इसलिए सुनता था क्योंकि इंडिया में मैं सुन रहा था इंडिया में जैज भी हो रहा था बिल्कुल इंडिया में फंक भी हो रहा था और जो रियल पॉप होता है वो इंडिया में हो रहा था नहीं रियल पॉप जो है ना हाँ? वो हमारे पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा हुआ अच्छा बताओ कौन कौन सा पॉप किसको पॉप बोल रहे हो तुम ये आपने इतने अच्छे गाने पॉप नहीं देखो वो एक पॉप आ... वो है वो एक पॉप इंडस्ट्री है हाँ, पॉप नहीं... म्यूजिक जो होता है ना जिसको जो वेस्टर्न पॉप म्यूजिक है वो वो कुछ और है देखो मैं लेके आया था इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मेरा मेरी ज्यादा पसंद थी मैं ज्यादा सुनता था हिप हॉप क्योंकि मेरी उस वक्त जो एज थी, हाँ सत्रह अठारह सोलह साल ये एज मेरी हाँ, तो उसमें उस गजलें नहीं सुनता था मैं हिप हॉप सुनता था ठीक है ठीक है हिप हॉप से मैं गया हूं फंक में ठीक है फंक से फिर मैं गया हूँ जैज़ की तरफ बिल्कुल ठीक है ठीक है अच्छा ये नहीं हुआ कि एक दो मैंने रॉक गाने भी प्रोड्यूस किए लेकिन बर... आपके रॉक गाने में ये है कि आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन जरा मजेदार की है उसमें जरा तड़के अच्छे लगाए हैं लेकिन जो ज्यादातर यहाँ पे रॉक म्यूजिक हुआ है पे ज्यादातर रॉक म्यूजिक हुआ वो रिफ भी ऐसी होती थी, थी कि तीन कोड है उसमें ठीक है तीन फोटो में और बात सुनो मैं सॉरी मैं बात सुनो इतनी जोर से बोल दिया ये नहीं की रॉक म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुना मैंने रॉक म्यूजिक सुना है लेकिन अच्छा सुना है बिल्कुल। मैं, मुझे आज मुझे आज पे... अच्छा, आपको पसंद है नहीं, <laughs> नहीं। यार मुझे म्यूजिक पसंद है।, है।, अगर, गिटार, गिटार सोलो है तो यार गथरी गोविंद की सुनो बिल्कुल सही मैंने वैसा सोलो नहीं सुना बिल्कुल ठीक ठीक है शोर ना बचाए शोर ना बचाए म्यूजिक सुनाए म्यूजिक सुनाए तो मुझे तो भाई गाने मतलब सोलो सुने पेट मैथनी सुना है मैंने ठीक है हाँ ट्रियानी भी मैंने सुना है बट ठीक है मेरी वो मेरी वो चॉइस नहीं है ठीक है ट्रियानी यहाँ के लोग बहुत से लोगों के लिए पता नहीं किंग है वो जेफ बैक भी यहाँ पे किंग है लेकिन मैं उन सब के ऊपर जो है ना पेट मैथनी या फिर आजकल मैं गथरी गोवन से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता बिल्कुल सही हाँ अभी नए बॉयज़ जो हैं यार वो कौन है वो जो जिसने नाक में आजकल वो भी पहनी हुई है अच्छा मैं असल ना असल में उसकी तस्वीर आ जाएगी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसकी की भी बहुत अच्छी है बिल्कुल सही मैं असल जरा जो गिटारिस्ट हैं, उनसे थोड़ा सा महरूम हूँ ठीक है मैं ज्यादातर की बोर्डिस्ट सुनता हूँ जो पियानिस्ट हैं उनको सुनता हूँ जैसे जीजस मलिना हो गए कोरी हेनरी हो गए फिर एक बॉय है क्या नाम है उसका जस्टन ली से, ये सारे नए नाम ले रहे हो तो बस ज्यादातर एक बंदा मैं सुनता रहा हूँ बल्कि उन्हीं की ज्यादा समय जायज में उन्हीं का काफी वो है लोग उनको सुन के काफी लोग जैसे जीजस मलिन है ये उन्हीं को सुनते थे जो पुराने लोग क्विंसी जॉन्स से याद आया मुझे क्विंसी जॉन्स साहब पाकिस्तान में एक मरतबा हैं अच्छा हाँ जी सिक्सटी uh, के दौर की बात है अच्छा और यहाँ पे मेट्रो पुल एक है जहाँ पे पीसी होटल है वहाँ पे एक क्लब होता था अच्छा तो कुंसी जॉन साहब उसी होटल में ठहरे मेट्रो, थे मेट्रोपॉल मेट्रोपॉल मेट्रो पुल के बीच में ठहरे थे यानी होटल में ठहरे थे और नीचे क्लब उस दौर में काफी म्यूजिक होता था तो कुंसी जॉन साहब ने एक बंदे से जिक्र किया है मेरे भाई हैं वो मैं पाकिस्तान एक मरतबा आया था तो कुंस जोन साहब आ चुके हैं अच्छा जी वाह तो ये किससे बात की थी ये शराज उपुल भाई से बात की थी अच्छा 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 जी। तो शराज भाई की कुंसी जोन से मुलाकात हुई है जी बिल्कुल हुई है और बेसिकल ये यूएस में ए, किसी कुंसी साहब के कॉन्सर्ट पे गए थे अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा किसी कॉन्सर्ट पे गए थे रहमान साहब के साथ थे साहब <laughs> यार बहुत अलग हाँ जी घूम फिर के यार यार रेमान, क्या बात बस वो नहीं बस क्या कह सकते हैं वो एक साइंस दान हुए म्यूजिक डॉक्टर हुए म्यूजिक डॉक्टर डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल उनके जो एल्बम मुझे पसंद है जिसमें गुरु है आ, दिल से फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिर लगान लगान का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है हाँ। क्या बात तोबा तोबा यानी एक लड़की घोड़े पे आ रही है हाँ। और उसके नीचे जो ओबो चली और हार्प और इस तरह के कॉर्ड्स, मैं क्या कहूँ मैंने बयान कर सकता रहमान साहब वो एक डॉक्टर है तो ये, ये वाकई बात है कि रहमान साहब के बारे में कुछ अब बंदा जज्बाती हो रहा था बयान नहीं हो <laughs> सकता। मुझे मुझे लग रहा है कि शायद ताकत नहीं है मुझमें <laughs> क्योंकि वो बड़ा उसके लिए पूरा हमें एक पॉडकास्ट अलग से करना पड़ेगा लेकि, लेकिन उनकी जितनी मूवीज है ना उसके लिए हमें कुछ दस मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो पूरा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा लेकिन वो भी हम करेंगे आप लोग ये मत सोचिएगा कि यार हम शायद नहीं भाई वो उनका पॉडकास्ट में होगा और अभी यही बात है कि उनको एक अलग से पॉडकास्ट चाहिए और मैं टाल नहीं रहा मैं जरूर करूंगा बिल्कुल पॉडकास्ट होगा जिसमें सारे हम और भी लोगों को बुलाएंगे सारे रहमान साहब के फैंस होंगे और वो एक पूरा अलग से एक एपिसोड करेंगे अच्छा जी आ, सारे इंडियन कंपोजर्स की बात, बात हो गई है पाकिस्तान में भी काफी, बड़े बड़े नाम, बड़े -बड़े नाम लेकिन अब असल में जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम है उनके नाम हम लेने जा रहे हैं पुराने 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 नहीं नहीं जो एक्चुअल नाम है मैं नामों की बात करूंगा मैं नया पुराना नहीं बोलूंगा ठीक है मैं उनका नाम लूंगा जिनको हम भी मानते हैं पाकिस्तान के म्यूजिक ने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का असल नाम किया है बिल्कुल मास्टर अब्दुल्ला मास्टर अब्दुल्ला ने बेसिकल आ, पंजाब का म्यूज़िक किया ठीक है और वो अपने काम के एक थे सबसे पहले तो बिल्कुल उनकी गायकी जो थी वो बहुत ट्रिकी थी जैसे लाइक like, मैं ये वा इस तरह के जो ट्रिकी पार्ट्स हैं वो मास्टर साहब के बहुत अच्छे थे अच्छा मास्टर साहब का जो खास तौर पे जो एक स्टाइल था पंजाब की जो असल शक्ल है ना वो मास्टर साहब ने वो मास्टर साहब ने फिल्म में अच्छा है, है। देखिए एक होता है फोक म्यूजिक जी लोग सुनते हैं आरफ लोहार आलिफ लोहार लेकिन इनको फिल्म में आप नहीं ढाल सकते बिल्कुल वो आपको फोक लगेगा वो एक लिमिटी वो एक लिमिट लिमिटेड फोक होता है जो आरफ लोहार या लाइक आलम लोहार लगा लें या कोई भी लगा लें जो अनहत हसैन पट्टी लगा लें वो सीधे सीधे फ़ोक हैं मास्टर साहब ने बेसिकल पंजाब में एक तो ए, फैसलाबाद की गायकी भी थी एक ल, जो लुधियाना की लगा लें या फिर इंडिया पे बात आती है जो वहाँ का दुआबे का जो स्टाइल था दुआबा ये दुआबा एक आ, इंडिया में है। अच्छा ठीक है, है। का जो कस्बी स्टाइल था ना कस्बी यानी वो फ्लेवर उन्होंने अपने काम में निकाला है वो फ्लेवर और उसमें वेरिएशंस बहुत थी उनके जो गाने होते थे उन आ, अगर तीन अंतरे हैं तो तीनों डिफरेंट हैं यानी सेम कंपोजिशन नहीं होती थी हाँ। उन्होंने इस तरह का काम किया है मास्टर साहब के गानों में मैंने देखा है काफी गानों में

अह सुनफकार साहब ने किया है कमर्शियल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है फिर जो पढ़ा लिखा म्यूजिक था उस दौर में वो सोहेल राणा साहब ने बहुत अच्छा किया है अपना खाजा साहब ने खाजा बिल्कुल सोहेल राणा साहब ने तो काफी उस दौर के मॉडर्न थे यानी समले उस दौर का पॉप म्यूजिक जो था सिक्सटी 70 का उन्होंने किया है सोहेल राणा साहब अच्छा मैंने कम सुना था लेकिन अब मैंने उनकी भी काफी कॉम्पिटिशन सुनी है बहुत बड़ा नाम मैं ऐसे ही लग रहा होगा जी मास्टर वो क्या मतलब मास्टर अनायत वो है जाने जिनको मास्टर अब्दुल्ला भी कहते थे कि ये मेरे उ तो थे बिल्कुल लेकिन वो मानते थे उनको पहले मास्टर साहब के बारे में मैंने बात सुनी मास्टर किसी को नहीं मानते थे और <laughs> उनका एक अपना एक गेम था पूरी पूरी गेम की और वो वाकई उनका काम था ऐसा कि वो ऐसे टाइम इस काम पे बंदा कहता है कि भाई मैं अच्छा कैसी बात है वो बजाते भी कुछ नहीं थे लेकिन अल्लाह ने उनको आमद कैसी दी थी वाह 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 आमद वो दे दी थी उन्होंने कि सिंगर भी भागते थे बिल्कुल और देखो, भी भागते थे। क, कभी नहीं 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 किया नहीं किया।, नहीं किया अच्छा और मजेदार बात ये यार म्यूजिक प्रुण, फिल्म प्रोड्यूसर उनके एक फैन होते थे बिल्कुल वो कहते थे कि आपने जो गाना बना दिया है बस वही होगा पत्थर पर लकीर है बिल्कुल प्रोड्यूसर नहीं चेंजेस करवा रहा डायरेक्टर नहीं चेंजेस करवा रहा और कैसे बात है वो म्यूजिक अरेंजमेंट भी खुद करते थे अपने जो पीसेस पीसेस भी थे ना जो जो उसमें इंटरवल इंट्रोडक्शन फिलर वो खुद बनाते थे सारा हाँ जी क्यूबेस और लॉजिक 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 में आसानी ये है कि लॉजिक के अपने जो साउंड्स हैं उसमें आप गाना फौरन कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे साउंड्स हैं ठीक है लॉजिक में मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई है बाकी हर चीज़ उसमें मौजूद है लॉजिक में एक चीज़ की ये कमी महसूस हुई है कि हम क्यूबिस में अगर वन शॉर्ट लूप बनाते हैं तो हमें कंटाइज चाहिए लाइक उसमें हमें झोल चाहिए झोल स्विंग चाहिए हाँ। तो हम पचास का अगर स्विंग रखते हैं उसमें तो हमने क्यू दबाया तो वो सारे जितने भी वन शॉर्ट हैं वो कुंटाइज हो जाते हैं और लॉजिक में अगर हम वन शॉट लूप यूज़ करें यानी वन शॉट ऑडियो रीजन हाँ जी वो यूज़ करें Hmm. तो हम उसको कुंटाइज़ नहीं कर सकते हाँ हम उसको सैम्पल अगर कर लें hmm. उस साउंड को hmm. तो हम उसको कुंटाइज़ में सही है सीक्वेंस कर सकते हैं उसको सही है प्रोग्राम कर सकते हैं उसको फेवरेट कांटेक्ट लाइब्रेरी फेवरेट कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी तो सारी अच्छी है लेकिन कुछ फेवरेट लाइब्रेरीज होंगी ना कुछ साउंड्स होंगे स्पिटफायर

एक अजीब सा सवाल पूछने लगा मुश्किल भी होगा शायद तुम्हारे लिए लेकिन थोड़ा सोच के मुझे जवाब दे दो ठीक है कोई ऐसा फीचर जो तुम एज म्यूजिक प्रोग्रामर मिस करते हो कि जो अभी एप्लीकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीचर नहीं है आपने मुश्किल सवाल कर दिया लेकिन अच्छा सवाल है कोई ऐसा फीचर कोई ऐसा फीचर ऐसा हो कि वो अपने माइंड में मैं म्यूजिक सोचूं तो तैयार हो जाए तैयार हो जाए वो गाना तैयार हो जाए यही जवाब दे मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो लॉजिक में तो मुझे समझ में आ गया वो जो ऑडियो कंटाइज करने वाला हाँ ऑडियो कंटाइज क्यूबेस में है क्यूबेस में तो हाँ शुरू से मैं शुरू से मैं प्रो क्यूबेस <laughs> असल में लॉजिक का ये चक्कर है कि जिस बंदे के पास पैसे कम होते हैं वो लॉजिक पे शिफ्ट हो जाते हैं और कि मैं पता है तुम्हें पता है कि जब कोई भी लॉजिक नहीं यूज कर रहा था 2008 में आपने एल्बम किया शफकत साहब की शफकत आनंदली की पूरी एल्बम मंत्रा नहीं नहीं मंत्रा तो फाखर की थी ओह शफकत आनंद की पूरी एल्बम थी तामीर ताबीर ताबीर मैंने पूरी लॉजिक पे की थी और मैंने मेरा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मैंने उस वक्त नया नया आई मैक लिया था ठीक है और एक्चुअली मैं बताता हूँ मुझे किसी ने कहा था कि उसके पास लॉजिक उसके पास क्रैक्ड वर्जन था लॉजिक का लॉजिक उसने मुझे कहा कि लेकिन वो लॉजिक जो है वो आई पे चलेगा ठीक है मैंने कहा मुझे ज़रूर चाहिए लॉजिक मैंने आई खरीदा ठीक है उसमें मैंने लॉजिक इंस्टॉल किया ठीक है और वही वाली बात कि उसके अंदर जो उसकी साउंड्स थी साउंड्स थी मुझे इतना पसंद आया पहला गाना भी मैंने वो वाला किया था नाल तो वो जो खेड़े नाल के अंदर के इंट्रो में जो गिटारो लॉजिक तो उससे वो गाना पूरा लेकिन उसके बाद फिर मैंने लॉजिक बंद कर दिया मज़ा नहीं आया मुझे फिर पता नहीं आप फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे थे जी क्या वो मैंने इसलिए बंद की है कि बिल आ रहा था नहीं अच्छा। उसके लिए एक टाइम निकालना पड़ता है ठीक है फिर पता नहीं मेरा ज़्यादा ब्लॉग देखा नहीं जाता पता नहीं क्या चक्कर है तो मैंने कहा कि अभी इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं तो इतनी खुबारी क्यों करें भाई यार ये जो हम कहते हैं ना कि व्लॉग्स व्यूज़ कम आ रहे हैं जिसके बारे में तो खैर मैंने एक ही तरीका मुझे पता चला है कि व्यूज शुरू में कम आते हैं लेकिन अगर आप लगे रहे तो बन जाती तो है बात। बन जाती है है बात बात बन व्यूज आ जाते हैं लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना से कोई कोई एक ऐसा वीडियो कंटेंट वायरल हो जाता है जिसकी रीच ज्यादा हो जाती है फिर उसके थ्रू आपका फिर चैनल की रीच भी बढ़ जाती है मेरे मुझे लगता है मैंने जो ब्लॉग बनाए है ना उसमें या तो वॉइस क्वालिटी जो माइक ने लगाया था प्रॉपरली एक तो वो भी मसला है या मेरे माइंड में कुछ अच्छे आइडियाज़ नहीं थे जो लोगों को पसंद नहीं आए अच्छा देखो इसके लिए ना एक स्पेशली काम करना पड़ता है ठीक है स्पेशली काम करना पड़ता है हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग ब्लॉग तब बनाते हैं जब हमारे पास टाइम होता है ठीक है तो हम कहते हैं चलो यार ब्लॉग बना लेते हैं बिल्कुल ठीक है फिर वो कहीं पर भी, भी बैठे होते हैं तो वहीं शुरू हो जाते जो ब्लॉगर्स हैं

वाओ तो मार्क मार्कवीन कहता है ना एक वो है फूड रेंजर फूड रेंजर वाला भी नहीं नहीं लेकिन मार्क विन ज्यादा करता है वाओ मार्क विन जो है ना जिसका इतना बड़ा जबड़ा है <laughs> वही है मार्क विन मार्क पॉडकास्ट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा वैसे शुरू करना चाहिए नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल ये जो पॉडकास्ट का रुझान जो शुरू हो गया जी उसके बारे में क्या कहते हैं

नहीं अब देखो एक और चीज़ भी शुरू हो गई है लोग पॉडकास्ट की क्लिप्स बना देते हैं ठीक है जैसे अभी हमने बात की है ठीक है इतनी देर से हम लगे हुए हैं एक घंटा होने वाला हमें लेकिन शायद हम लोग इसको एडिट करके आधा घंटा करेंगे बिल्कुल तो इसमें भी छोटी छोटी बातों पर ना मतलब दस मिनट का क्लिप बन गया दो मिनट का क्लिप बन गया एक मिनट का क्लिप बन गया ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया कि फिर उसमें होता यह है कि जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बहुत बात है तो पॉडकास्ट हाँ, को देखने के लिए देखने में तो वो फिर जाके पूरा पॉडकास्ट भी दे सकते बिल्कुल बिल्कुल वरना काफी लोग होते हैं वो इतना मतलब लंबा नहीं देखते यूट्यूब देखते देख रहे होते हैं तो देखते ना इसकी ड्यूरेशन कितनी दो घंटे दो घंटे कौन निकाले यार बिल्कुल तो वो मैंने पूरी फिल्म देखी जाती है दो घंटे ऐसे निकल सकते हैं बंदा फ्लाइट में हो और चीज़ को डाउनलोड कर ले बिल्कुल तो वो देखता जाए मैं अक्सर वॉक करने जाता हूँ ना जी जी तो समाइम्स मैं पॉडकास्ट लगा लेता हूँ ठीक है तो वॉक कैसे करते हैं आप पॉडकास्ट हेडफोन में लगा हुआ होता है अच्छा आप सिर्फ ऑडियो सुनते हैं नहीं मैं देख भी लेता हूँ लेकिन फिर उसको कितनी देर में शक्ल नहीं आना दो ठीक है उनका मैं ऑडियो सुन लेता हूँ ठीक है तो हम हाँ, तो हमें थी थी थी। <laughs> नहीं नहीं शक्लें भी देखें आप आपको मजा आएगा कैमरा कौन सा है तुम्हारे पास ब्लॉगिंग के लिए मेरे पास हीरो 8 है गोप्रो गोप्रो और से पहले तुम्हारे पास कोई एक वो डीएसएलआर भी था डीएस वो है डीएल डीएसएलआर रेबेल 3 रेबेल 3 कैनन हां कैनन रेबेल कैनन रेबेल 3 तो सही उस पर एक मैंने सीरीज बनाई थी क्या कहते हैं म्यूजिक म्यूजिक रीजन रीजन के पता नहीं म्यूजिक रीजन के नाम से आई थिंक अच्छा तो उसी पे शूट किया था मैंने लाइव शो की ख्वारी बहुत है बताओ तो सही किस किस के साथ किया था मैंने आ, स्टार्टिंग की थी शराज उपल के साथ शराज भाई के साथ तो सॉरी शराज भाई भाई सॉरी बस वो आपका नाम ही है ऐसा तो फिर आ, उनके शोज़ तो कम थे बेसिकल मेरा जो शोज़ का प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है ना वो से जब मैंने कोक स्टूडियो किया है तो उसके बाद क्या कहते हैं उमैर जसवाल के कॉन्सर्ट थी तीन तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो कोक स्टूडियो के कीबोर्डिस्ट हैं उसमें से कोई <clears throat> कीबोर्ड को आप कीबोर्ड वाले को आप लेके आए शो पे तो दो नाम थे उसमें हैदर का नाम था और एक मेरा नाम था सही तो ये एक, आ, मेरे दोस्त हैं हसन बादशाह फ्लूट वाले उसके पास सारा ये बात उसके उसके पास सारी बात गई है कि कौन सा कीबोर्ड होना चाहिए तो उसको नज़दीक मैं पड़ा तो मैंने वो तीन शो किए हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसके बाद फिर नूरी के साथ बजाया अली हमज़ा के साथ बजाया मैंने फिर क्या कहते हैं मी, मीशा शफी के साथ मीशा शफी के साथ काफ़ी शोज़ किए मैंने फिर क्या कहते हैं जेब के साथ भी, जेब के, भी के, जेब के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ कंट्री का नाम नहीं लेना वो मुझे पता <laughs> रहने दो <के। laughs> कंट्री का नाम नहीं लेना और क्या कहते हैं फिर राहत फ़तेहली के साथ मैंने कॉन्सर्ट्स किए हैं काफ़ी उनके साथ मैं आउट ऑफ कंट्रीज भी गया हूँ काफ़ी तीन चार पांच कंट्री मैंने उनके साथ देखी हैं जाबर के साथ बजाया मैंने और आ... अमानत अमानत के साथ तो पूरा एक साल मैंने काम किया है काफ़ी लोग हैं इस वक्त मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे बहुत से लोगों के साथ काम किया है मैंने शोज में तो आतिफ के साथ भी आतिफ के साथ शोज नहीं किए तुम इतने सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हो बिल्कुल हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि ज़्यादा मज़ा किस आर्टिस्ट के साथ आया और ज़्यादा फ़नी कौन है मतलब ये देखो ये वाली बातें होती हैं कि ये हमें थोड़ी सी बतानी चाहिए लोग बिल्कुल बतानी चाहिए भाई पर्दे के पीछे क्या है रिकॉर्डिंग के हवाले से पूछेंगे कि आप लाइव शोज के हवाले से पूछेंगे चलो मैं नाम लेता हूँ फिर आप बताइएगा ठीक है राहत फतेह अली खान साहब के बारे में बताएं कैसी उनकी वो है मुझे तो पता ही है लेकिन आप अपने आपका ज्यादा काम है उनके साथ राहत कैसी तबीयत है कैसे उनका वो है म्यूजिक के भाव हाँ म्यूजिक का मजा लेने वाले बंदे हैं ठीक है और ज्यादातर हमारी शोज के हवाले से कम मुलाकात होती है क्योंकि वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करते म्यूजिशियंस के साथ तो नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे लूप कम लगाएं अपनी क्रिएशन बनाएं ईटे ज्यादा लगाएं मेरा ये है कि आजकल एक सॉफ्टवेयर आ गया स्पाइस ठीक है सॉफ्टवेयर नहीं है वो एक, वो एक ऐप है ऐप लगा लेंगे एक, एक वेबसाइट है, है। वेबसाइट है एक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल वहाँ से ज़्यादातर म्यूजिक लगा के तो क्या कहते हैं उसमें लेकिन उसमें ये है कि जो म्यूजिक बनाने की क्रिएशन है जो आपके माइंड की आइडियाज़ हैं वो आप ज़्यादा निकाल नहीं सकते तो ज़्यादातर आपको ठीक है एक आधी रिफ्ट लगानी चाहिए मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगानी चाहिए लेकिन उस पर आप भी ख़ुद वर्क करो ज़्यादातर आपको खुद वर्क करना चाहिए आपको खुद सोचना चाहिए आपको साउंड डिज़ाइन करना चाहिए उसका तो नए लोगों के लिए मेरे मेरा यही है कि खुद क्रिएशन करें खुद ऐसी चीज कि सप्लाइज भी उसके आगे जरा सा हल्का साउंड लगे सप्लाइज भी हाथ जोड़ ले <laughs> नहीं मैं मैं समझ गया तुम्हारी बात मैं इसको थोड़ा सा और इसको एलेबरेट कर देता बड़ा है। करते हैं कि आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हुआ ये है कि इसमें स्प्लाइस का को कोई कसूर नहीं है स्प्लाइस एक अच्छी फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी है ठीक है, लेकिन हम वन यूज करते है मैं तुम्हें बता मसला क्या है म, जो तुम्हें जो चीज़ लग रही हो ये रहा है की नए लोगों ने ना मेहनत कम कर दी, दी। बेसिकली उनके लिए मसला हल हो गया है मसला हल हो गया कल को खुदा ना खास्ता स्प्लाइस बंद हो जाती है टूट जाती है तो लोग क्या करेंगे तो इसके लिए ये कि म्यूजिकलिटी जो है वो ज़्यादा सीखनी चाहिए।, चाहिए सीखनी चाहिए सीखनी चाहिए बिल्कुल इवन जो जो वन शॉट सैम्पल्स वगैरह भी हैं वो आपको ये देखना चाहिए इस चीज़ की खोज में होना चाहिए कि यार ये ये चीज़ बनती कैसे बिल्कुल आप अपनी खुद बनाएं आप खुद अपनी लाइब्रेरी बनाएक्टली exactly, मैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जितनी आप लोग अपनी लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करें बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी वो कौन लोग हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वो साउंड डिजाइन कर रहे हैं बिल्कुल आप तो सिर्फ पैसे भर के यूज कर रहे हाँ जी हमें खुद साउंड बनाना चाहिए हमें खुद लाइक कुछ लोग एक किक भी लगा लेते हैं कुछ लोग तीन तीन किके लगाते हैं ठीक है किसी का वो क्या कहते हैं सब यूज़ कर रहे हैं किसी की मिड यूज़ कर रहे हैं और इस तरह तीन तीन किकों का एक साउंड बनाते हैं लाइक like, मैं भी काफ़ी गानों में दो दो किके भी यूज़ की हैं लेकिन ये नहीं है मैंने एक की लो ले ली है और एक की मिड ले ली है इस तरह मैंने एक की हाई ले ली है हल्की सी तो उसको मर्ज करके साउंड बना के काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने भी मेरे ख्याल से आ, पाकिस्तान में आ, जो नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं जी इवन अब पुराने म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स भी जो है ना मुझे लगता है यार सबको अपनी एक सिग्नेचर लाइब्रेरीज बनानी बनानी चाहिए सिग्नेचर लाइब्रेरी बनानी चाहिए और उसको रिलीज करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए ठीक है मैंने एक्चुअली अभी शानी अशर डॉट कॉम पर आप जाए तो मैंने अभी तीन मिडी लाइब्रेरी बनाई तुम यकीन करो जब मैंने उसको लॉन्च किया था ना जी जी तो उसमें पाकिस्तान में जितने लोग थे वो उसको डाउनलोड कर रहे थे बिल्कुल ठीक है ये मैं बल्कि तुम्हें भी अब बता रहा हूँ तुम्हें पता है वो आज भी डाउनलोड हो रही है वो लाइब्रेरीज और अब वो इंटरनेशनली डाउनलोड हो रही है क्योंकि मेरे पास तो एक एक बंदे का नाम आता है नाम आता है मुझे नोटिफिकेशन आता है बिल्कुल ये इस बंदे तो कल मतलब मैंने कल देखा कि कोई ब्राजील में डाउनलोड कर रहा है कोई चाइना में डाउनलोड कर रहा है कोई जापान में डाउनलोड कर रहा है कोई ताइवान में डाउनलोड कर रहा है कोई न्यूयॉर्क में डाउनलोड कर रहा है बहुत ज्यादा वो लोग सर्च करते होंगे ना बिल्कुल मैंने कोई प्राइस भी नहीं रखी हुई मैंने फ्री मिडी सैम्पल्स रखे हुए बिल्कुल ठीक है मिडी प्राइस तो वो फ्री के वो कहीं से औ, और रोज़ तीन चार नोटिफिकेशन आती हैं मैं सोच रहा हूँ मैं उस पर पैसे ही रख देता <laughs> लेकिन आप नहीं बनाए <laughs> मैं अब करूँगा बल्कि मुझे अभी यहाँ पे एक अच्छा आइडिया ये आया है कि भाई आप लोग नए बॉयज़ को चाहिए कि वो सैम्पल्स बनाएं बनाए ठीक है और मुझे लगता है कि यार ये इट्स अ गुड आइडिया कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को एक प्लेटफॉर्म बना दूं बहुत जरूरी है नई सैंपल लाइब्रेरी के लिए जैसे है। जैसे अब जब देखिए आप सप्लाइज से बात करेंगे ना उनकी बहुत सारी शराइ है बिल्कुल तो और मैं तो तुम्हें पता है मैं नाइनटी सेवन से सैंपल यूज कर रहा हूँ मेरे बीच भी में बहुत दफ़ा <laughs> बहुत सैम्पल डेवलपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की है तुम्हें पता है मैंने एक टाइम पे मैंने स्पेक्ट्रासोनिक्स को कांटेक्ट किया था ठीक है

<laughs> वो वो दिल करता था कि यार ये ये तो करें ये तो लो। प्रॉपर लोग बिल्कुल और तबला यहाँ पे सिर्फ दो जगहों पे मिलता है हाँ बांग्लादेश में जैसे इंडोनेशिया में भी तबला है आपको पता हाँ जी बिल्कुल मैंने इंडोनेशिया के कुछ क्लिप्स देखे हैं लेकिन वो तबला लाइक जैसे कोंगा है उस तरह का ही प्लेंग है ठेका है दाक दाक इतना तो बचता है आ, एक ढोलक भी रखी हुई है उन्होंने तो इंडोनेशियन गानों में आपको तबला मिलेगा बांग्लादेश में भी मिलेगा आपको ठीक है और फिर अपना इंडिया पाकिस्तान इंडिया तो है ही है, बिल्कुल है ठीक है तो लेकिन जितनी भी सैंपल लाइब्रेरीज थी उनमें अच्छा तबला अच्छा एक एक मैं नाम लेना चाहूँगा वो भी मेरे बिल्कुल उस्तादों की तरह है तालबीन सिंह जी ठीक है तो तालवीन सिंह जी की एक बड़ी मशहूर एक एक लाइब्रेरी तबले की तुमने भी सुनी हुई के तबला। ओ, मैंने सुन। आपने जुनेद जमशेद का वो गाना सुना है आंखों ही आंखों में जो सपना ये रदूंगा ये बड़ा मशहूर है ठीक है और ये एक एग्जाम्पल लाइब्रेरी आई थी नाइनटीस के एंड में बात है ठीक है

ये इस बात को भी बहुत टाइम हो गया मैंने आई थिंक 2005-6 में किया था बॉलीवुड ग्रुप आ गया था तब नहीं आया था नहीं आया हाँ बॉलीवुड बॉलीवुड ग्रुप्स में भी लेकिन लूप्स है ना जी जी मल्टी वो सैंपल्स नहीं है ठीक है सैंपल होती है ना समझ गया मैं समझ ले? गया समझ गया अभी काफी लोग जो है वो आ, स्वार प्लग का तबला यूज करते हैं स्वार प्लग का लेकिन वो भी बड़ा पत्थर तबला है बिल्कुल तबला, तबला 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 जो सबसे अच्छा है वो है इंदर का वो स्पिट फायर की लाइब्रेरी हाँ, हाँ। इंदर स्पिट हाँ। फायर की लाइब्रेरी उसका बहुत अच्छा है और पैनिंग बहुत अच्छी है उसकी आप जैसे भी उसको जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस तरह वो एक अलग सी पैनिंग अलग से जाना एक लाइब्रेरी आई थी स्पेक्टर की लाइब्रेरी थी ठीक है ये स्पेक्ट्रा की मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब स्टाइलस आरएमएक्स वगैरह नहीं आए थे और ये सैम्पल लाइब्रेरीज बनाते थे ठीक है उसमें एक, एक सैम्पल लाइब्रेरी आई थी सुप्रीम बीट्स के नाम से ठीक है उसके तीन सीडी रोम थे उसमें एक तबला की साउंड बहुत अच्छी थी लेकिन वो उसमें ना ठेका अच्छा नहीं बचता था अच्छा लेकिन लीडें बड़ी अच्छी बच जाती थी इस तरह की ना बिल्कुल इस तरह की वेरिएशन uh, बड़ी गईन uh, और मुझे भी ऐसे पता चला था कि मैंने काफ़ी इंडियन गाने उस दौर में जो आते थे उनमें अक्सर मैं तबला सुनता था मुझे लग, लग पता जाता था कि ये सैंपल ही है sample ये. लेकिन मैंने यार इतना क्लीन सैंपल तो वो फिर बड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि भाई वो एक लाइब्रेरी है सुप्रीम बीट्स ठीक है उसमें फिर मैंने वो आई थिंक टू थाउजेंड टू थ्री में मैंने अमेरिका से फिर वो मंगवाई भी थी तो बड़ा टाइम मैंने फिर उसके उसके तो उसका तबला मैंने यूज़ किया था बिल्कुल खैर जब मैंने मैंने जब इंस्पेक्टर सोनिक से जिक्र किया इस बात का तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हाँ भी हम लोग जो है वो एथनिक साउंड्स की तरफ हमारा कोई इरादा नहीं है हमारा कुछ और है तो आप खुदारा कहीं और जाए उस टाइम वो बिग <laughs> बिग फिश के पीछे लगे होंगे अच्छा एक एक लाइब्रेरी में मैंने काम शुरू भी किया था अच्छा हमारे फ्लूट प्लेयर साजिद

नए लड़कों को चाहिए कि वो अपनी सैंपल लाइब्रेरी बनाए रेडीज बनाए अपनी पर्सनल साउंड बनाए और साउंड्स के साथ खेलें अपना बना के हाँ ये प्लगन्स जितने भी हैं वो इसी के लिए इसी के लिए हैं और प्लगन्स भी ख़रीदें और प्लग भी खरीद खरीदने चाहिए यार अब तो डॉलर ही इतना महंगा हो गया लोगों ने और नहीं ख़रीदना आपने आज एक रिवअप दिखाई है मुझे उसको हम नाम नहीं लेंगे लेकिन ये है कि आपने शौक़ के साथ चीज़ें खरीदी हैं यार देखो अभी अब सही कह रहे हो कि जो अभी जो प्लगइन्स जो चलते हैं जी जो अच्छे प्लगइन्स हैं कम से कम वो टू नाइनटी नाइन डॉलर के होते हैं और अब तो डॉलर पता नहीं कहाँ चला गया अब तो यानी एक लाख की अभी वो अभी हम हिसाब कर रहे थे वो एक लाख की है इस वक्त जो आपने तीन सौ डॉलर की ली ना तीन डॉलर की लेकिन उस वक्त डॉलर सस्ता था सौ रुपये था डॉलर या सौ एक होगा एक सौ का था डॉलर जब मैंने वो रिवाब ली थी लेकिन कमाल रेप है वो रिब बहुत अच्छी बहुत अच्छी है नाम तुम नहीं लेने दोगे नाम लेने भी नहीं दूंगा मैं नहीं लेने दूंगा <laughs> एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़ है मेरी जिंदगी में जो कि मैं वो सोचता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है असल में एक शो था जिसके लिए आ, मुझे एक कॉल आई एक सिंगर की तो उनका जो म्यूजिशियन थे वो बिजी थे वहाँ पे Uh, किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे ठीक है तो उस दिन शो पे वो नहीं थे तो उस सिंगर की मुझे कॉल आई है जो सिंगर था मुझे उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ शो पे कल चलो ठीक है क्योंकि उन दिनों में उनके एल्बम पे काम कर रहा था तो मेरे साथ उनका काफ़ी बैठना उठना था तो उन्होंने मुझे ऑफर की अब जो उनके साथ कीबोर्डिस्ट हैं प्लेयर हैं जो वो मेरे सीनियर हैं ठीक है थीके? तो मैंने अब सोचा कि यार मैं उनकी जगह पे कैसे जाऊँ मैं एक मरतबा उनसे इजाज़त ले लूँ मैंने उनको कॉल की कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आई है तो उन्होंने ना मुझे फिलहाल उन्होंने मुझे मना कर दिया ठीक है अब मैंने उस सिंगर को जवाब दे दिया कि भाई मैं मुझे इजाज़त मिलेगी तो मैं जाऊँगा तो वो सिंगर ने कॉल कर दी आगे से उस पोजिशन को ठीक है आगे से म्यूजिशियन की मुझे कॉल आई है उन्होंने मुझे कहा कि वो तू कॉल की थी मैंने कहा नहीं बरहाल है कि तुम मैं इजाज़त देती लेकिन तू नहीं जाना लाहौर <laughs> में आपको पता है इजाज़ किशोर एक नाम है बिल्कुल नाम है हम सबके वो दोस्त हैं यार यार Uh, कुछ नाम फिल्मों के नाम कुछ खानों पे रखे हैं उस बंदे जो कि काफी कॉमेडियंस उनकी वो बातें कॉपी करते हैं कि एक जैसे uh, खीर राँजा। खीर <laughs> लस्सी <पुन्नू। laughs> <लसी पुनू। laughs> नौकर और पालक भाभी दया पूियाँ बिल्कुल नाश्ते का पत्थर <laughs> फिर है अपना जरते में रहने दो <laughs> बहुत ज्यादा मुझे नान चाहिए <laughs> वो फिल्म थी ना मुझे चांद मुझे चाहिए, चाहिए।, चाहिए। <laughs> फिर था एक देखदास <laughs> <laughs> फिर थी एक देगा राजा <laughs> देसा राजा बहुत अला बहुत अला बहुत यार कमाल वो बंदा जो है ना उसका सेंस <laughs> ऑफ ह्यूमर कमाल है और ये लेकिन उसको कोई नहीं जानता उसकी ये सारी बातें जो है वो ड्रामों में हैं। हिट है हिट है कॉपी हो रही है और वो खाम कॉमेडियंस अपना दाद ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं <laughs> एक दफ़ा मैंने ये मैंने वो फैसलाबाद में एक सिंगर होते थे अल्लाह ने जन्ना सिर करे एजाज के साहब जी जी उनके बारे में मैंने एक बात सुनी कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ना अपना अपने गली के कोने में कहीं खड़ा हुआ था ठीक है तो कहते हैं कि

अब पैसे भर तो तू सिक्यूरिटी डब्बी लिया <laughs> तो कहते हैं फिर वापस भी भी उसी तरह ही गया है वापस भी वो उसी तरह गया है उल्टा <laughs> गया है और कह रहे हैं उसके बाद आज तक नहीं आया <laughs> पैसे लेके आएंगे पाजी के <laughs> ये किराछ यार।, <laughs> यार बहुत आला <laughs> यार बहुत आला बात थी यार <laughs> यार एक बंदा था टीकू मेला नाम टीकू था लेकिन वो नहाता नहीं था तो उसका नाम टीकू मेला एक बंदे ने ना उसका पूरा एक सीन बांधा है उसने कहा कि टीकू मेला वो बंदा है कि टीकू मैला की कमीज एक दफा धोबी के पास धुलने गई धोबी ने बस यूं करके कमीज उठाई है एक भपका आया है और धोबी जा गिरा उस धोबी की मौत हो गई उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया फौज बुला के उसकी कमीज को शहर से कई मीलों दूर बाड़े लगा के ना वहाँ पे उसकी कमीज को रख दिया कि कोई इसके करीब ना आए कहता अब वो जो धोबी मरा था उसकी बीवी बदला लेना चाहती थी उसका एक छोटा बेटा था उसकी बीवी ने उसके अपने बेटे की मैल में परवरिश की नालों में उसको प्रैक्टिस कराई मिट्टी में वो खेल है कचरा कुंडी में सुला रही है यार ये बड़ा हो के टीकू मेले की कमीज धोएगा <laughs> उस कमीज से अपने बाप का बदला ले बच्चा बड़ा हुआ है खैर से जवान हुआ है वो दिन आ गया कि जब उसने टीकू मेले की कमीज धो ली थी पूरा मैदान सज गया उस बाढ़ के चारों तरफ ठीक है लोग जमा हो गए कि आज टीकू मेले की कमीजे की कमीज बच्चा माँ उसकी रो रही है घर वाले बच्चे जो है ना छोटे छोटे बहन भाई उसके रोक रहे हैं उसको ना जा ना जा उसने कहा नहीं मैं लूंगा बाप का बदला लो जी वो गया है अंदर उसने कमीज को देखा है और फिर माँ को देखा है माँ ने कहा खैर है इजाजत है क्यों करके उसने कमीज उठाई है और उसे कुछ नहीं हुआ और उसने मुस्कुरा के माँ को देखा है तो माँ ने भी माँ ने भी खुश होके कहा है कि बेटा आज तो दे तो थे। बस उसने दोबारा कभी को देखा है एक उसने खून की उल्टी की है <laughs> और उसके हाथ कमीज छूट गई है और वो वो भी गया वो भी मर गया यार अब वो उन्होंने उसको कहीं बीच में मेरे ख्याल से समंदर के बीच में कहीं उसको रखवा दिया है कि कोई भी <laughs> उस कमीज की तरफ ना जाए सची बात <laughs> यार क्या बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने ये सिचुएशंस बनाई कोई सच्चा वाक़ नहीं है ये मेड अप स्टोरी है यार क्या हो गया <laughs> कोई कैसे कमीज की मैल से मर सकता लेकिन बनाने वाले का कमाल चले जी बड़ा मज़ा आया और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस पॉडकास्ट को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज